जानवर के लिए नेचर है प्रकृति, मनुष्य के लिए नेचर है आत्मा। तो मूर्ता में इस तरह की बातें मत बोल दिया करो कि अरे लड़कियों की ओर आकर्षित होना तो नेचुरल है ना। बल्कि और चले आते हैं सूरमा, वो कहते हैं हम कोई नपुंसक हैं क्या कि हम लड़कियों की ओर आकर्षित नहीं होंगे, ये तो नेचुरल चीज है, ये तो होनी ही चाहिए, ये तो हमारी मर्दानगी का सबूत है। पागल, मर्द तुम होगे पर विक्षिप्त जरूर हो। मर्दानगी तो तुम्हारी पता नहीं पर पागलपन तुम्हारा जाहिर है। जो तुम बता रहे हो कि स्त्रियों की ओर भागना नेचुरल चीज है, वो नेचुरल चीज नहीं है। सांड गाय की ओर भागे ये नेचुरल है, क्योंकि सांड का नेचर है प्रकृति। पर मनुष्य भागे अगर स्त्री की ओर तो ये नेचुरल नहीं है, तुम्हारा नेचर आत्मा है। तुम्हें सांड और गाय की तरह व्यवहार नहीं करना है। सांड की जिंदगी का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य यही है कि खाओ और बछड़े बछिया पैदा करो। उसको दो ही चीजें चाहिए, बढ़िया घास और बढ़िया गाय। तुम्हें भी यही चाहिए, तुम सांड हो, तुम्हारी जिंदगी के दूसरे लक्ष्य हैं। तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचे काम करने हैं और अंततः तुम्हें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। वो है तुम्हारा स्वभाव, वो है तुम्हारा नेचर आत्मा। तुम्हें आत्मा चाहिए। सांड को कोई परेशानी नहीं होगी अगर उसे मुक्ति नहीं मिलती। तुम जीवन भर बेचैन रहते हो अगर तुम्हें मुक्ति नहीं मिलती। तुम में और सांड में अंतर है। मत कह दिया करो कि ये सब तो नेचुरल चीजें हैं, नहीं है नेचुरल। मैं समझाता हूं, मांस मत खाओ। लोग कहते हैं जानवर भी तो मांस खाते हैं, शेर ने इतनी मांस खाई तो शेर क्या पापी हो गया? तुम शेर हो? शेर तो दहाड़े तो जंगल थर्राता है, तुम जरा दहाड़ के दिखाना। और तुमको और शेर को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, फिर पता चल जाएगा शेर कौन है, जो बचे वो शेर। मांस खाने के लिए तर्क दिया जाता है कि शेर भी तो मांस खाता है, हम मांस नहीं खाएंगे तो शेर कैसे बनेंगे? अच्छा तुम्हें शेर बनना है तो जंगल में ही छोड़े देते हैं तुम्हें, क्योंकि शेर तो आकर के अपार्टमेंट में रहता नहीं। फिर सारे काम शेर जैसे करो। शेर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता नहीं और शेर तो टीवी देखता नहीं। ये सब बंद करते हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम तो कह रहे हो कि शेर मांस खाता है तो हम भी खाएंगे, तो सारे काम फिर शेर जैसे ही करो। उदाहरण लो तो पूरा लो। शेर को बहुत कुछ करने का हक है, क्योंकि उस बेचारे की प्रज्ञा कभी जागृत ही नहीं हुई, उसका बोध कभी जगा ही नहीं। तो अब वो मांस खाए चाहे कुछ करे, उसे कोई पाप नहीं लगना।